हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल को गरम कर लेना है। तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल देना है 1 टीस्पून जीरा। जीरा तड़कने लगे तो अब इसमें जाएगा 1 चुटकी हींग, 4 से 5 करी पत्ता, 6 7 लहसुन की कलियां बारीक काटकर ऐड कर रही हूँ। इसे चला लेते हैं। अब ऐड करना है 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब जाएगा 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अब इन सभी चीजों को चलाते हुए भून लेना है। प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो अब ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर जिससे काट लिया है, इसे भी यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। मसाले भूनते वक्त आँच को धीमी ही रखें। अब ऐड करेंगे कटी हुई लौकी। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ की लौकी ली है, इसे काट कर यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 आलू जिसे काट कर लिया है मैंने। मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है, मसाले सब्जी पर अच्छे से कोट हो गए हैं। अब इसे ढक कर हम पका लेंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और चला लेंगे। इस तरह हम ढक कर 10 से 15 मिनट तक इसे पकाएंगे। मध्यम आंच पर हम इसे पकाएंगे। और 10 से 15 मिनट तक पकाने के बाद सब्जियां कुछ हद तक पक चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है अच्छे से, ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और इसे पकने देंगे। जो थोड़ी बहुत कसर बची है वो पक जाएगी अच्छे से। तो चलिए अब चेक करते हैं। अब सब्जियां पक चुकी हैं अच्छे से। अब ऐड कर देना है बारीक कटी हरी धनिया। मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम बंद कर देना है। सब्जी को ढक देंगे कुछ देर के लिए ऐसे ही। लौकी की सब्जी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म रोटी पराठा किसी के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।